कि द नाइन टर्म ऑफ द एपी इज 449 और 449 टर्म इज 9, देन फिर क्या करा है द टर्म विच आर इक्वल टू जीरो, अच्छा कौन सा टर्म होगा जो जीरो आएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, आपके पास नाइन टर्म की बात हो रही है, तो नाइन टर्म है आपका 449, यहाँ ए प्लस 8d हो जाएगा इक्वल टू में 449, और यहाँ पे 449 टर्म जो है वह आपका 9 दिया है, यानी कि a प्लस का 448d इक्वल टू में हो जाएगा 9। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, माइनस का 400 में 40d इक्वल टू में इधर आपका 440, ठीक है, इसको डिवाइड में जाएगा, d का वैल्यू माइनस वन आ जाएगा, डी का वैल्यू माइनस वन फर्स्ट वाले में रख देते हैं, ए प्लस का 8 इंटू में माइनस वन इक्वल टू में 449, यानी ए माइनस 8 इक्वल टू में 449, ये जाकर उधर ऐड कर देगा तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 457, ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ गया। तो पूछ रहा है कौन सा टर्म जो होगा वह जीरो होगा, तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि nth टर्म जो है जीरो है, तो इसके लिए फर्स्ट टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू में d इक्वल टू में जीरो, तो यहाँ फर्स्ट टर्म है आपका 457 और प्लस n माइनस वन इंटू d के प्लेस पे माइनस वन इक्वल टू में जीरो। एक काम करते हैं यहाँ पर, आप इसको उधर लेके चलते हैं या इसी को इधर लेके चल जाते हैं, 457 और प्लस में जो है इधर देखिए, नेक्स्ट स्टेप ले जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का वन और माइनस का एन, ये प्लस का वन और माइनस का एन इक्वल टू जीरो, ये उधर जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो 400 में 58 टर्म जो हो जाएगा वह एन का वैल्यू, यानी 458 टर्म जो होगा वह जीरो होगा। समझ गए, सी नंबर इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20।